चले, जय चले, जय। गधे पर बैठकर केजरीवाल जी को गली गली में लेकर जाना है, उनका भ्रष्टाचार उजागर करना है, उनके मंत्रियों का भ्रष्टाचार उजागर करना है। आज जो मुफ्त के नाम की बात करते थे, आज दिल्ली को शराब के अंदर धकेल दिया, उसकी बात नहीं करते। आज उसके अंदर करोड़ों लाइसेंस के अंदर घोटाले हुए, लोगों को पैसा वापिस किया गया। किस लिए वापिस किया? ताकि इनकी अब जेबें भरी जा सके और दिल्ली की जनता को ठगा जा सके। आप युवा को रोजगार चाहिए, युवा को पढ़ाई चाहिए, शिक्षा की बात नहीं करते, लेकिन आज वो शराब की बात करते हैं और शराब के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं, उसी को दिखाने हैं। केजरीवाल जी, आपकी कथनी जान चुकी हैं, एल जी ने कह दिया है आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ये हम आज ये इनकी हथकड़ी लेकर आए हैं। मनीष सोदरा जी, आप ईमानदारी से थाने के अंदर जाएंगे या हम आपको लेकर जाएंगे? अरविंद केजरीवाल तो कब से कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो तो उनका, वो तो वही राजा हरिश्चंद्र हैं, वो तो जिस चीज़ को कहेंगे वही होगा। वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ईमानदारी का ढोंग करते हैं, वो अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन अंबेडकर के सिद्धांतों को संविधान की धज्जियां उड़ाने के अंदर केजरीवाल जी का बहुत हाथ है, ये दिल्ली की जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है। सकता पति है कि कोई भगत सिंह की औलाद खुद को कैसे कैसे? अच्छा, इस सब की आपकी आपत्ति है कि उन्होंने अपने आप को भगत सिंह का औलाद कहा है? मुझे तो व्यक्तिगत तो मुझे बहुत आपत्ति, जिसने इस समय इतनी सी उम्र में फांसी का चंबा पे चढ़ गए देश की आज़ादी के लिए, और आज भ्रष्टाचारी ये कहें कि हम उसके औलाद हैं। तो आपका कहना है कि वो नैतिकता के आधार पर मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें? इस्तीफा दें और आगे से उनके लिए कोई इस तरह की कार्रवाई भी की जाए दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि भ्रष्टाचार या इस तरह के केसों में वो किसी भी क्रांतिकारी या देशभगत या स्वतंत्रता सेनानी का नाम प्रयोग ना कर पाए। सर, जब CBI ने जांच के आदेश जब दे दिए हैं तो आप लोग प्रश्न क्यों कर रहे हैं? नहीं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो देना चाहिए। अच्छा। और CBI से जो शिकायत की गई थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने शिकायत की थी सबसे पहले, उसमें केजरीवाल की भी तो जांच हो। मुख्यमंत्री का पोर्टफोलियो उसके पास, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, कमाई आए उसके पास, सुख सुविधाएं भुगते वो, अगर कोई बात हो जाए तो दूसरे मंत्रियों पर। अभी तो आरोप तो साबित नहीं हुए, तो कार्रवाई जांच जारी है अभी सर। हमने ये नहीं कहा कि उसको जेल भेज दो, लेकिन इस्तीफा दे, जांच स्पष्ट हो जाए।